गुड मॉर्निंग, प्रेरणा कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग माय डियर लर्नर्स, प्रेरणा कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ाएंगे, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अनुपात और समानुपात। चलो पहले इसका हम थोड़ा सा बेसिक पढ़ते हैं और उसके बाद आगे सीखते हैं चीजों को। हमारे चैप्टर का नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। सबसे पहले हम समझते हैं रेशियो। रेशियो का मतलब होता है अनुपात, हिंदी में इसको बोलते हैं अनुपात। जैसे कहीं लिखा है ए अनुपात बी, इसका मतलब हो गया ए बट्टे बी। एक्चुअल में जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है, जो भिन्नात्मक मान होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। लेकिन भिन्न कुछ भी हो सकती है और अनुपात भिन्न का क्या होता है, सरलतम रूप होता है। जैसे कोई भिन्न है 20/30, तो हमें इसको अनुपात में चेंज करना है तो 0 से 0 कैंसिल आउट कर देंगे, जो हमारा अनुपात निकल के आएगा वो क्या आ जाएगा, 2:3। क्योंकि जो अनुपात होता है वो क्या होता है, भिन्न का ही सरलतम रूप होता है। भिन्न हमारी कुछ भी हो सकती है, लेकिन अनुपात को सबसे ज्यादा सिंपल कर दिया जाए तो वो अनुपात के रूप में आ जाता है। एक और चीज, कुछ बेसिक चीजें सीखते हैं। चलो मैं इसको अरेज करता हूं। अनुपात में कुछ भी जोड़ने से या अगर हम ये कहें अनुपात जैसे लिखा हुआ है, तो अनुपात में किसी निश्चित संख्या से गुणा किया जाए या भाग किया जाए तो अनुपात पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखते हैं कैसे। जैसे कहीं लिखा हुआ है 1:2, अगर इसमें 10 से गुणा कर दिया जाए, 10 से यहां पर भी गुणा कर दिया जाए, इस साइड भी गुणा कर दिया जाए, तो ये फ्रैक्शन हमारी बन के आ जाएगी, अनुपात हमारा हो जाएगा 10:20। यही बात हम समझ रहे थे कि अनुपात में किसी संख्या से गुणा या भाग करने पर अनुपात पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब क्या हुआ, 10/20। सिंप्लीफाई करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, फिर से 1/2। 1/2 को हम अनुपात के रूप में लिखेंगे तो 1:2 हो जाएगा। तो अनुपात में किसी संख्या से गुणा या भाग करने पर अनुपात पर कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो और सीखते हैं उसका बेसिक। इरेज करता हूं मैं इसको। जैसे कहीं लिखा हुआ है ए अनुपात बी, समानुपात सी अनुपात डी, तो इसमें करते क्या है, बीच वालों का मल्टीप्लाई करते हैं और इन किनारों वालों का मल्टीप्लाई करते हैं। यानी यहां से जो हमारा फॉर्मूला निकल के आएगा, इसको बोल सकते हैं बी इंटू सी, जो बराबर होगा वो हमेशा होगा ए इंटू डी के। यहां से बोल सकते हैं इन बीच वालों का जो मल्टीप्लाई करके आता है वो बराबर होता है ए इंटू डी के। और वैसे भी समझ सकते हैं, अगर इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखें तो इसकी जो फ्रैक्शन फॉर्म हो जाए, इसकी जो फ्रैक्शन फॉर्म हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ए बट्टा बी बराबर, समानुपात का मतलब होता है बराबर, सी बट्टे डी। अगर इसमें हम वज्र गुणा करते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हम क्या करेंगे, ए का मल्टीप्लाई बी के साथ, बी का मल्टीप्लाई सी के साथ, तो हमारे पास हो जाएगा ए डी बराबर बी सी। तो इसी चीज को मैंने आपको बताया था कि इन बीच वालों का जो मल्टीप्लाई है वो बराबर होता है आगे और पीछे वालों के मल्टीप्लाई के। ये बना कैसे है, अगर इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखें तो ए अनुपात बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बट्टे बी, समानुपात का मतलब होता है बराबर, और सी अनुपात डी को हम लिख सकते हैं ए बट्टे डी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हिंदी में बोलते हैं वज्र गुणा, ए का डी के साथ, ए डी बराबर बी सी। इसमें से कोई सा भी अनुपात हमें पूछ सकता है, कुछ भी दे सकता है। चलो अब हम धीमे धीमे क्वेश्चन से सीखते हुए चलते हैं, जो भी बेसिक होगा उधर ही बता दिया करेंगे। चलो इसको मैं रेज करता हूं। क्वेश्चन है हमारा, यदि
ए अनुपात बी, यदि ए अनुपात बी 7:9, बी अनुपात सी 5:7, तो ए अनुपात सी ज्ञात कीजिए। ए अनुपात सी क्या होगा? इस टाइप का कभी भी कोई भी क्वेश्चन हो तो इसको हम करते क्या है, इसमें सबसे पहले दिया हुआ है उसको लिखते हैं। उसमें दिया हुआ है ए अनुपात बी बराबर कितना है 7:9, और आगे उसने कहा है कि बी अनुपात सी कितना है 5:7। एक्चुअल में इसमें जो कॉमन क्या है, कॉमन दोनों में क्या है, बी, यहां पे भी बी है और यहां पर भी है, इसका मतलब जो कॉमन है उसका अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर। इसमें बराबर नहीं है तो बराबर बना लेते हैं कैसे, यहाँ पे हमें क्या है बी की वैल्यू इक्वल चाहिए तो इसमें तो हम 5 से गुणा करवा देंगे, 5 से यहाँ किया है तो 5 से यहाँ पर भी गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि अनुपात में अगर हर में गुणा किया जा रहा है तो अंश में भी गुणा करेंगे तभी हमारी भिन्न बैलेंस रहेगी, अदरवाइज भिन्न का भिन्न की वैल्यू बदल जाएगी। ऐसे ही इसमें हम 9 से गुणा करवाएंगे, जब 9 से इसमें कर दिया तो 9 से हम इसमें भी करेंगे। अब इसको हम देखते हैं, 7 का गुणा यदि 5 के साथ किया जाए तो ये हो जाएगा 35, और 9 का गुणा 5 के साथ किया जाए 45। इसमें देखते हैं 9 का गुणा 5 के साथ 45, 7 का गुणा 9 के साथ 63। एक्चुअल में बी की वैल्यू दोनों अनुपात में इक्वल हो गई तो इसको हम लिख सकते हैं, अगर हमें निकालना है मान के चलो ए अनुपात बी अनुपात सी, तो इसको हम लिख सकते हैं, चलो इसको स्मॉल लेटर में लिखे दे रहा हूं, ए अनुपात बी अनुपात सी, तो कितना हो जाएगा 35:45:63। अब सवाल में हमसे पूछा गया है कि ए अनुपात सी ज्ञात कीजिए, तो ए अनुपात सी, ए का अनुपात कितना है 35, सी का कितना है 63, हमें पूछा है उसने ए अनुपात सी ज्ञात कीजिए, ए यहां से देखेंगे कितना है 35 और सी कितना है 63, काट पीट कर लेंगे, हमें पता है 7 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे, 7 × 35 7 × 63, यानी अनुपात जो हमारा निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा 5:9। ए अनुपात सी कितना आएगा 5:9, इस प्रकार हमारा जो आंसर है वो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा 5:9। और भी हम देखते हैं, और इसमें दूसरा तरीका भी देखते हैं, एक तो तरीका हो गया ये, ऐसा कोई भी अनुपात दिया हो जिसमें जो कॉमन होता है तो उस कॉमन की वैल्यू बराबर कर लेते हैं और अनुपात जो पूछा है उसको लिख देते हैं। इसका एक शॉर्ट तरीका होता है जिसको हम शॉर्ट मेथड भी कह सकते हैं, उसको एक बार आपको बताता हूं कैसे करते हैं, उसको इरेज करते हैं इसको, सबसे पहले तो हम केयरफुल तरीके से यानी सावधानी पूर्वक क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन जैसे जैसे कहेगा करते जाएंगे। उसने कहा है ए अनुपात बी, तो आप पूरे अनुपात को एक साथ ही लिख लो, ए अनुपात बी अनुपात सी, हमने पूरा लिख लिया, ए अनुपात बी कितना दिया है 7:9, चलो लिखते हैं ए अनुपात बी दे दिया हमको 7:9। आगे उसने हमें दिया है बी अनुपात सी, तो बी अनुपात सी कितना दिया है 5:7, यहां से दोनों ही कंडीशन में बी की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, तो इसके लिए शॉर्ट तरीका होता है जो जगह फिले जो खाली है उसके सामने वही रख देते हैं, जैसे 9 के सामने 9 रख दो, 5 के आगे 5 रख दो, अगर ऐसी कोई वैल्यू जो कट पिट रही हो काट लेते हैं, अदरवाइज मल्टीप्लाई करते हैं, 7 का गुणा 5 के साथ करेंगे 7 × 35 / 9 × 45 / 9 × 7 = 63। उसने हमसे पूछा है कि ए अनुपात सी ज्ञात कीजिए, ए कितना है 35 और सी कितना है 63, तो हमें पूछा गया है ए अनुपात सी, ए की वैल्यू 35:63, काट पीट कर सकते हैं 7 × 35 7 × 63, जो हमारा निकल के आएगा ए अनुपात सी वो कितना आएगा 5:9। इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा
ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। ऐसा क्वेश्चन कोई भी आता है तो हम सबसे पहले इन चीजों को रख लेते हैं और ये इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है। ए अनुपात बी कितना था? 7:9। बी अनुपात सी कितना था? 5:7। 9 के आगे 9 लिख लिया, 5 के आगे 5 रख दिया, मल्टीप्लाई करा दिया। उसने पूछा था ए अनुपात सी, ए की वैल्यू 35, सी की अनुपात वैल्यू 63, काट लिया 7×5=35, 7×9=63, हमारा अनुपात निकल के आया कितना? 5:9। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैं इसको इरेज करता हूं, सॉरी क्लीन हो गया क्या, एक मिनट थोड़ा सा। ये जैसे टेढ़ा हो गया, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसने कहा है, थोड़ा सा इसको और जूम करता हूं मैं, हाँ अगला क्वेश्चन है, यदि एक्स बराबर 1/3 वाई और वाई बराबर 1/2 जेड, तब एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड किसके बराबर होगा? देखो दिया हुआ है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, उसमें हमें गिवन क्या है, यदि एक्स बराबर 1/3 वाई, यहां से मैं आपसे कह सकता हूं ये वाई किसमें? गुणा में। अगर इस साइड वाई को ले आए तो किसमें आएगा? भाग में। तो इसको बोल सकते हैं एक्स बटे वाई बराबर क्या हो जाएगा? 1/3। एक्चुअल में जो एक्स बटे वाई है इसी को तो हम अनुपात कहते हैं, तो एक्स अनुपात वाई क्या हो जाएगा? 1:3। अब देखते हैं हम इसको, यानी आगे लिखा हुआ है, अगली क्वेश्चन है वाई बराबर 1/2 जेड, इसमें भी जेड को इधर लेके आएंगे तो वाई बटे जेड की जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी हो जाएगी? 1/2। चलो उसने पूछा एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड क्या होगा, यानी हमसे पूछा गया है एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड क्या होगा, तो हमें दिया हुआ है एक्स अनुपात वाई कितना? 1:3। वाई अनुपात जेड कितना है? 1:2। 1:2। अगर यहां से ध्यान से देखें, मैंने आपको सिखाया था करते क्या है, 3 के सामने 3 रख दो, 1 के सामने 1 रख दो और इनका क्या कर दो? मल्टीप्लाई, गुणा। 1 का गुणा 1 के साथ करेंगे 1/3 का गुणा 1 में करेंगे 3/3 का गुणा 2 के साथ करेंगे 6। उसने पूछा क्या था हमसे? x अनुपात y अनुपात z, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1:3:6। इस प्रकार हमारा सी ऑप्शन सही आंसर होगा। एक बार इस क्वेश्चन को समझाता हूं, करते क्या है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो
तो उसमें हमने x बट्टे बाई की वैल्यू निकाल ली। x बट्टे बाई से मतलब हुआ x अनुपात बाई ही निकल के आ गया, क्योंकि भिन्न का ही तो सरलतम रूप क्या होता है, भिन्न का जो सरलतम रूप होता है उसी को हम क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। तो x अनुपात y कितना आ गया, 1:3। यहां से y अनुपात z कितना आ गया, 1:2। यहां से x अनुपात y अनुपात z हमने निकाल दिया, 1:3:6। इस प्रकार दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर है वो सी ऑप्शन हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको मैं रेज करता हूं। वो पिछली बार थोड़ा क्लीन हो गया था इसलिए टाइम थोड़ा ज्यादा लग गया, इरेज करते हैं। अगला क्वेश्चन, तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याओं का अनुपात 3:8 है और उनका अंतर 115 है, तो उनमें से छोटी संख्या ज्ञात करो। बहुत ही शानदार सवाल है। इसने कहा दो संख्याएं हैं, उनका अनुपात है 3:8, उनका अंतर 115 है, तो उनमें से छोटी संख्या ज्ञात करो। अनुपात 3:8, ये संख्याओं का अनुपात है। हम मान लें पहली संख्या 3 है और दूसरी संख्या एग्जैक्ट 8 है, तो इनके बीच का जो अंतर है वो कितना निकल के आएगा, 5। और सवाल कह रहा है कि इनका अंतर 115 है, इस बात को हम कह सकते हैं 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 115। पांच यूनिट की वैल्यू 115 हो जाएगी। एक यूनिट की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 5 का दे देंगे भाग, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15 यानी 23। उसने हमसे पूछा क्या है, तो छोटी संख्या ज्ञात करो। छोटी संख्या हमारी कितनी है, 3 यूनिट, तो 3 यूनिट की वैल्यू यहां से हम निकालेंगे। जब 1 यूनिट की वैल्यू 23, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 23 × 3। 23 का गुणा 3 के साथ करेंगे, 23 × 3 = 69, आंसर हो जाएगा हमारा 69। यानी तीसरे क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, 69, सी ऑप्शन इसका आंसर होगा। एक बार पूरे क्वेश्चन को दोबारा समझते हैं। क्वेश्चन था, यदि दो संख्याओं का अनुपात 3:8 है और उनका अंतर 115 है, तो छोटी संख्या बताओ। ऐसा कोई भी सवाल हो तो हम क्या करते हैं, जो अनुपात दिया है उसी को हम एग्जैक्ट मान लेते हैं। मैंने मान लिया एग्जैक्ट संख्या 3 यूनिट होती तो उसके 8 और 3 का जो अंतर है वो कितना हो गया, 5 यूनिट। लेकिन सवाल कह रहा है उनका अंतर 115 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू 115, 1 की वैल्यू 23, यानी 5 यूनिट की वैल्यू 115, 1 की निकाली, 5 का दे दिया भाग, तो 5 यूनिट की वैल्यू आ गई 23। यहां से हमें हमने 3 यूनिट की वैल्यू निकाली, तो 3 की वैल्यू कितनी आ गई, 69। चलो इरेज करते हैं इसको। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है। इसमें क्या है, इतने के अनुपात को किसके बराबर है। देखो 2 की घात कितनी है, 1.5। अनुपात 2 की घात कितनी है, 0.5। इसने कहा है इसका जो अनुपात है वो किसके बराबर है, हमें ये सिंपलीफाई करना है। आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, क्वेश्चन नंबर 4, हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, 4। कभी भी एक चीज समझते हैं, कभी भी ऐसे लिखाओ x^m / x^3
एन, यदि आधार समान हो तो भाग में घाते घट जाती है, तो ये हो जाएगा एक्स की घात एम माइनस एन। यहां से हमने देख लिया जो x की पावर है वो क्या निकल के आई, m माइनस एन। यहां से देखो ये 2 की घात 1.5 और 2 की घात 0.5, इसका मतलब क्या होता है, अनुपात का मतलब होता है बट्टे यानी भिन्न। अगर इसको और सिंपल करें तो भाग हो रहा है, यानी इस चीज का इसमें क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। और हम जानते हैं यदि आधार समान हो तो भाग में घाते घट जाती है, तो इसकी पावर क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 की घात 1.5 माइनस 0.5 बटे, यहां पे क्या बचेगा, 2 का तो भाग ही कर दिया, यानी 2 की घात 0.5 का तो भाग ही कर दिया, तो हमारे पास बचेगा 1। चलो मैं इसको इरेज करता हूं। आगे इस चीज को देखते हैं, हम जानते हैं भाग में घातें घट जाती हैं, तो घटा दी, तो हमारे पास क्या बचेगा, अगर 1.5 में से 0.5 घटाएंगे तो हमारे पास 2 की घात 1 बचेगी। अगर किसी भी संख्या की घात 1 हो तो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, लिखो या मत लिखो, तो 2 की घात 1 बट्टे 2 की, ये आ गया 2/1। इस चीज को हम लिख सकते हैं 2/1 को, या फिर आप कह सकते हो 2:1। आंसर हो गया हमारा 2:1। अब इसको जल्दी से कैसे करेंगे, जब हमें दिखाई दे रहा आधार समान है, जब आधार समान हो तो भाग में घाते घट जाती हैं। अनुपात का मतलब क्या होता है, भाग। इसका मतलब इस चीज का सीधा सीधा इसमें भाग दे दें तो हमारा सिंपल होके आ जाएगा 2/1। 2/1 का मतलब हुआ 2:1, भिन्न को ही अनुपात में लिख देते हैं, तो आंसर हो गया हमारा 2:1। इस प्रकार राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। चलो इसको इरेज करता हूं। अगला क्वेश्चन है 1250 की राशि ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए को बी का 2/9 भाग, सी को ए का 3/4 भाग मिले। एक्चुअल में कभी भी किसी भी राशि का हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना हो, बंटवारा करना हो, तो राशि जिस अनुपात में होती है उसी अनुपात में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, समझ सकते हैं। चलो उसने कहा है, सबसे पहली बात ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए को बी का 2/9 भाग, यानी ए को बी का 2/9 भाग। इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं, इसको इधर लेके आएंगे तो ए बट्टे बी कितना निकल के आ जाएगा, 2/9। इसका मतलब ए का अनुपात कितना हो गया, 2, और बी का अनुपात कितना हो गया, 9। इसका मतलब कह सकते हैं ए अनुपात बी की वैल्यू कितनी हो गई, 2:9। आगे कह रहा है तथा सी को ए का 3/4 भाग मिले। अब ये कह रहा है सी को, सी को ए का, सी को ए का कितना मिल रहा है, 3/4 भाग। चलो देखते हैं C को A का 3/4 भाग इधर लेके आएंगे तो C बट्टे A की जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या हो जाएगी, 3/4। कभी भी अब हम कह सकते हैं कि C का अनुपात 3 है तो A का अनुपात कितना है, 4। इस चीज को लिखते हैं, हमें पूछा क्या गया है, इसको किस अनुपात में बांटना चाहिए, 1250 रुपए की राशि ए बी सी को किस अनुपात में बांटनी चाहिए। तो हम कुल मिला के इसका अनुपात निकाल दें तो ए अनुपात बी अनुपात सी, अगर जो चीज कॉमन होती है उसको रखते हैं बीच में, तो ए इसमें भी आ रहा है, ए इसमें भी आ रहा है, तो ए को रखेंगे बीच में। कैसे लिखेंगे हम,
लिख सकते हैं B अनुपात A अनुपात C। ये कह रहा है A अनुपात B कितना है, 2:9। लिखते हैं A की वैल्यू 2 और B का अनुपात 9। आगे कह रहा है A की वैल्यू 1:4, B का अनुपात 3, सॉरी C का अनुपात 3। तो ये हमने लिख दिया C का अनुपात 3। 2 यहां पर रख दो, 4 यहां पर रख दो। अगर कोई भी चीज ऐसी जो कट रही हो उसको काट लेते हैं। देखो 2 यहां पर भी, ये कट गया, 2 से 2 कट गया, 2 × 4, इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 9 × 2 = 18 अनुपात 4:3। जो हमारा पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन होना है वो 18:4:3 के अनुपात में होना है। इसको हम डायरेक्ट ऑप्शन से देख सकते हैं, जो सबसे कम पैसा मिलेगा वो किसको मिलेगा, सी को। इसमें देख लो सी को सबसे कम पैसा कौन से में मिल रहा है, ए में नहीं मिल रहा, सी को बी में मिल रहा है सबसे कम पैसा, डी में भी मिल रहा है सबसे कम पैसा, और सी को इसमें नहीं मिल रहा है सबसे कम पैसा। यानी 2 ऑप्शन तो हमारे ऐसे हट गए, अब रह गए 2। यानी रुपए कितने बांटे जा रहे हैं, 1250। तो योगफल कितना होना चाहिए, 1250। 900 और 200 1100 हो गए, 75 जोड़ेंगे तो 1175। ऑप्शन डी भी आंसर नहीं होगा, डायरेक्ट ऑप्शन से हमने ये कर दिया, इसका बी ऑप्शन आंसर होगा। इसका योगफल हो गया 1250 और सबसे कम पैसे किसको मिल रहे हैं, सी को। सी को कितना मिल रहा है, 3 यूनिट। यानी इसका मतलब इसमें देखो सबसे कम पैसा कौन से में मिल रहा है, सी को, तो बी में मिल रहा है। या फिर आप लिख सकते हो कि पैसे का जो डिस्ट्रीब्यूशन, पैसे का जो बंटवारा किया जा रहा है वो कितने पैसे हैं, 1250। जोड़ सकते हैं 18 और 4 22 22 और 3 25। 25 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 1250। यहां से हम निकालेंगे 1 यूनिट की वैल्यू, 25 × 125 ₹50। सी को कितना मिल रहा है, 3 यूनिट, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 × 3 ₹150। इसका मतलब लास्ट देख लो, सी को ₹150 कौन से मिल रहा है, ओनली बी में ही मिल रहा है। यहां से आप निकाल भी सकते हो ए को कितना मिल रहा है, 4 यूनिट, 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 × 20 ₹200। और बी को कितना मिल रहा है, 18 यूनिट, 18 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18 × 90 ₹900। इसका मतलब बी की जगह पे 900 आना चाहिए, एक ये आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। कुल मिला के ऐसा कोई भी क्वेश्चन बनता है तो उसमें आप रेशियो सेट कर लो, उसके बाद आप अनुपात को सही करने के बाद जो अनुपात है, यानी 18 और 4 22 22 और 3 25, टोटल जो 25 यूनिट पैसे का बंटवारा हो रहा है। लेकिन सवाल कह रहा है कि 1250 का बंटवारा हो रहा है, इसका मतलब 25 यूनिट की वैल्यू 1250, 1 की वैल्यू 50। सी को कितना मिल रहा है, 3 यूनिट, 3 की वैल्यू 150। हमने देख लिया सी में 150 कौन सा है, एक ही है, वही आंसर हो जाएगा। अच्छा, दूसरा तरीका इससे भी ज्यादा आसान है, वो कैसे है, ₹1250 का बंटवारा हो रहा है, इसका मतलब इन तीनों का योगफल कितना होना चाहिए, 1250। हमने जोड़ा 200 और 250, 450 और 800 कितने हो गए, 1250 हो रहा है। इसमें योगफल चेक किया तो ये हो गया 450, 800, ये भी हो गया, इस सम में हो गया। इसका मतलब डायरेक्ट हम अनुपात निकाल के फिर सी को ही चेक कर सकते हैं। सी को 3 यूनिट, यानी सबसे कम पैसा सी को मिलना चाहिए। देख लो सबसे कम पैसा कौन से में सी को मिल रहा है, बी में मिल रहा है और डी में मिल रहा है। लेकिन हमने इसका योगफल किया, इसका योगफल 1250 नहीं हो रहा है, इसलिए आंसर हो गया बी। और ये बाकी इसको सॉल्व करने का तरीका है, कौन सा क्वेश्चन था ये, 5वां। इरेज करता हूं मैं इसको। अगला क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन है। सवाल कह रहा है m अनुपात n कितना दिया हुआ है, 3:2। तब उसने हमसे पूछा है, तब ज्ञात करो 4m + 5n, अनुपात का मतलब बट्टे होता है तो इसको हम बट्टे में ही रख दे रहे हैं, 4m - 5n।
यहां से सीधा अगर हम देखें m की वैल्यू कितनी होगी 3 और n की वैल्यू कितनी होगी 2, डायरेक्ट हमने दे दिया m का जो अनुपात है वो 3 है और m की वैल्यू कितनी हो गई 3 या इस जगह पुट करते हैं m की वैल्यू m की जगह पे 3 रख दो n की जगह पे 2 रख दो। जब m की जगह पे 3 आप पुट करोगे 3 का गुणा 4 के साथ करोगे तो कितना हो जाएगा 12 प्लस n की जगह पे कितना रखोगे 2 2 इसमें पुट करोगे तो 2 गुणा 5 यानी 10 बटे 4 का गुणा 12 माइनस 10। अगर इसको सॉल्व करें 12 में 10 जोड़े 22 और 12 में से 10 घटाएं 2 भाग करेंगे 2 एकम 2 2 से कट गया 11 12 हमारा जो अनुपात निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा 11 अनुपात 1 जो भिन्न होती है उसी को हम किस में लिख देते हैं अनुपात में इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। एक बार इसको दोबारा समझाता हूं m अनुपात n का मतलब क्या हुआ m बटे n बराबर 3/2 इसका मतलब डायरेक्ट m की वैल्यू 3 और 2 की वैल्यू n की वैल्यू 2 अनुपात में है तो m की जगह पे 3 पुट करेंगे और n की जगह पे कितना पुट कर देंगे 2। डायरेक्ट इक्वेशन में हमने रख दिया m की जगह पे 3 मल्टीप्लाई कराया 4 × 3 = 12 n की जगह पे 2 मल्टीप्लाई कराया 5 × 2 = 10 12 में 10 जोड़ेंगे 22 हो गया और 12 में 10 घटाएंगे 2 हो गया 2 का भाग दे देंगे 22 में 11/1 इस चीज को हम लिख सकते हैं 11/1। इस प्रकार आंसर हमारा क्या हो जाएगा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। चलो इसको इरेज करता हूं। इसने कहा है 18 व 36 का तृतीय अनुपाती। सबसे पहले इसके लिए हम सीखते हैं ये तृतीय अनुपाती क्या होता है। जैसे कहीं लिखा हो ए अनुपात बी अनुपात बी अनुपात सी सी को इस जगह हम क्या मानते हैं तृतीय अनुपाती। मैंने आपको सिखाया था बीच वालों का गुणा हो जाता है किनारी वालों का गुणा हो जाता है और आपस में क्या हो जाते हैं बराबर हो जाते हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं ए सी बराबर बी वर्ग। हमें निकालना है तृतीय अनुपात तो सी बराबर कितना हो जाएगा बी वर्ग बट्टे ए। ये बन गया तृतीय अनुपात का फॉर्मूला। सी नहीं बोलना चाहे कहीं कहीं किताबें इसको एक्स भी बोल देती हैं। तृतीय अनुपाती को मान के चलो किसी किताब ने एक्स बोल दिया तो आप इस जगह पे एक्स भी रख सकते हो। ये एक्स हमने एक्स रख दिया अब क्या करते हैं बीच बीच वालों का गुणा यानी बी का गुणा बी के साथ बी वर्ग हो गया ए का गुणा एक्स के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा ए एक्स। यहां से हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी एक्स की वैल्यू ओके एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बी वर्ग बटे ए। यानी आप इस फॉर्मूले को याद कर सकते हो जो तृतीय अनुपात का फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स बराबर बी स्क्वायर बटे ए। सीधा इस क्वेश्चन में लगाना है छठवें क्वेश्चन को अगर सोल्व करें तो सीधा हम लगाएंगे बी तृतीय अनुपाती एक्स बराबर बी वर्ग बटे ए। बी की वैल्यू कितनी है 36 36 का वर्ग मतलब 36 × 36 और बटे ए ए की वैल्यू कितनी है 18 18 से भाग करेंगे 2 × 18 × 36 और 36 का गुणा 2 के साथ करेंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 36 × 72 आंसर हो जाएगा हमारा 72। तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले को याद रख सकते हो कि तृतीय अनुपाती का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बी स्क्वायर बटे ए। हिंदी में भी आप इसको लिख सकते हो तृतीय अनुपाती बराबर तृतीय अनुपात बराबर होता है क्या हुआ एक मिनट
सातवां क्वेश्चन चल रहा था, थोड़ा स्लाइड इधर उधर हो गई हाथ लगने से या मच्छर वच्छर बैठ गए शायद। तो इसमें उसने पूछा तृतीय अनुपाती, तृतीय समानुपाती, सॉरी तृतीय समानुपाती का जो फॉर्मूला होता है वो सीधा होता है बी स्क्वायर बटे ए, यानी इसको हम x मान लें तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बी स्क्वायर बटे ए। ये फॉर्मूला बना कैसे मैंने आपको अभी बताया था, तो सीधा आप फॉर्मूले में डालोगे b की जगह पर कितना है 36, यानी x की वैल्यू निकालनी है तो 36 गुणा 36 बटे ए की वैल्यू कितनी 18, 18 का भाग दे दो 36 में, 18 दूनी 36, 36 का गुणा 2 के साथ कराएंगे 36 दूनी 72 आंसर हो जाएगा। तो इसका जो तृतीय अनुपाती निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा 72। ऐसे ही मध्य अनुपाती का फॉर्मूला बनता है, चलो इसको मैं इरेज करता हूँ। अगला क्वेश्चन है मध्य अनुपाती, आठवां क्वेश्चन, इतना ही रहने दें आपके लिए, इतना ही, चलो ठीक है।